अभी आगरा में मंडलायुक्त कार्यालय पर आगरा मंडल के मंडलायुक्त अमित गुप्ता के साथ जिलाधिकारी आगरा समेत जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक के दौरान आगरा मंडलायुक्त कार्यालय पर दर्जनों किसानों ने पहुंचकर सड़क पर फर्श बिछा कर बैठ गए। किसानों का कहना है कि आगरा विकास प्राधिकरण हमारी जमीनों को लेकर किसी भू माफिया को बेचने की फिराक में है। जो बात हो गई कि माननीय सांसद जी बैठेंगे, सर बैठेंगे और आपकी बात प्रतिनिधि बैठेंगे, तो क्या बार बार इसी तारीख की कहा पहले भी हमारे पास की अनुरोध है। 25 की बोर्ड मीटिंग आ गई, कल फोन पर भी आपको बताया थी और मैंने बताया था नेक्स्ट वीक में, उससे नेक्स्ट वीक में हम सब बैठेंगे और माननीय सांसद जी से भी हमारी बात हो गई इस बात की। उधर से आप पेपरों दे रहे हो कि फ्री बिजली बैंक को उठाएंगे, जो फॉरवर्ड ये करेंगे, काम से भी बैठक का क्या मतलब है? बैंक जिनकी जमीन में आती है पेपर हो दिया है पेपर की बताएंगे पेपर में क्रिएट करते हैं, जिस बात की पूरी बात हो चुकी है, हमारा भी तो कोई दायित्व है आपके प्रति और हमने जो प्रॉमिस किया है कि आप उसको निभाइए नहीं क्या सर, फिर क्यों कर रहे हैं सर? मैं बता देता हूँ, आपका केस ये होता है कि जब आप फ्री बैठे तो आप आगे आने की आपको उसके बाद क्या रह गया बताइए, उसके बाद आपने 25 तक की तो कल क्या बात हुई फोन पर? और जब आपको कहीं तो बोर्ड बैठक की हमारी बैठक में हमारा भी एक क्वेश्चन लग जाता है, आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं लगता है जो आपको कैसे लगेगा ऐसे नहीं लगता है, आप बोलोगे बोर्ड बैठक नहीं 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 उसका यानी उसका प्रोसीजर भी तो होता है सर, किसी हिसाब से पहले वार्ता होगी उसके बाद बात करो। और दूसरी बात मैं आपको समझा देता हूँ, पूरे सुन लीजिए, दूसरी बात जो आप लोग चाह रहे हैं ना कि ऑलरेडी जिस लैंड पे आपको पेमेंट कर दिया है उसकी धनराशि आपको 4 गुना मिलते हैं, उतना नहीं मिलेंगे वो सर, हमें जमीन से मिलते हैं आपका लेते हैं क्या मामला था धारा पूरा? ये मामला था इनर रिंग रोड सरफेस का, जो कि इनर रिंग रोड नहीं बनाया जा रहा है, उस जमीन को एडीए के अधिकारी उस जमीन को कॉलोनाइजर को बेचना चाहते हैं, इससे किसान संतुष्ट नहीं है। आज जो बोर्ड की बैठक हुई इसमें उसमें क्या गेम किया गया है इसका जल्दी खुलासा होने वाला है। एडीए बीसी ने यह कहा कि किसानों को 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो ये इनको भी पता होगा कि किसान 4 गुना मुआवजा लेगा या तुमको जमीन देगा। जमीन किसान की है, इनकी नहीं है, किसान अपनी जमीन को दे कैसे देगा? इनकी औकात क्या है कि ये हमारी जमीन को ले लेंगे? हमें तो मुआवजा चाहिए नहीं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, 12 साल हो गए ये देश के कानून के अंतर्गत काम करते हैं, उस कानून के अंतर्गत हम इनसे वादा कर रहे हैं कि आपसे हम 4 गुना मुआवजा लेंगे और आप हाथ जोड़ के और देंगे उन्हें, इनको किसी की कीमत पर जमीन नहीं देंगे। अरे आपने डीएम की गाड़ी रोकी थी, क्या आपको आश्वासन मिला? डीएम की नहीं साहब, डीएम साहब भी थे, कमिश्नर साहब भी थे, डीसी भी थे, यानी एक डीएम ने सभी की रोकी गई। किसान लेट गया था, हमारी बात सुन लो, चोरी छुपे ये चोरी का मामला नहीं चलेगा, इसका हम विरोध करते हैं। क्या आशंका लग रही है अंदर बैठक में क्या हुआ होगा? अंदर बैठक में तो ये 2-1 दिन में खुलासा हो जाएगा, गुप्त सूत्रों से बताया गया कि कुछ इसमें भूमाफिया कॉलोनायर को इन्होंने बुलाया था, तो उनका पूरा डिटेल लेकर के इसका खुलासा करेंगे। तो आगरा विकास प्राधिकरण देना चाह रहा है भूमाफिया को, और कौन देगा? एक बार रिंग रोड निकल ही नहीं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।